हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं परवल रखी हूँ। तो आज मैं परवल की सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी ननद रानी बना रही हैं, तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो मैं सोची क्यों ना ये रेसिपी आप लोग से भी शेयर किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं वही सब कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर परवल ले ली है, कुछ इस तरीके से छील। प्याज को कट करती हूँ और 3 प्याज कट करूँगी, उसमें वो ऐड करेंगी तो मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे परवल छिला गया, धो भी दिए हैं। उसके बाद 3 प्याज को कट की हूँ और इतना सारा प्याज को पीसने के लिए ले लिए हैं। और परवल को इस तरीके से ये कट कर दे रही हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दे रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसे फिर तेल में फ्राई करेंगी। ये काफ़ी टेस्टी बनाती हैं, तो आप लोग देखिए। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। तो आज बोले कि मेरा रेसिपी डालिए, मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, आपका भी रेसिपी मैं डालती हूँ। और ऐसे में बहुत टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे तेल डाल दिए हैं, तो फ्राई करने में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता ही है, तो बाद में तेल को मैं निकाल लूँगी, इतना तेल में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परवल इसमें डाल दी है और उसे फ्राई कर रही है। तो आज का खाना लंच का आज यही बना रही हैं, बोली आज मैं बनाती हूँ, मैं बोली ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अपना फ्राई कर रही हैं। उसके बाद से यहाँ पे लगभग हो ही गया है, थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना आपके जितने फैमिली है उस हिसाब से आप बनाएं, तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। एक ही बार डाल देने से अच्छे से फ्राई नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हो गया है, तो इसे ये निकाल ली है। तो अच्छे से तेल इसमें से छान कर निकाल लेना है। और उसके बाद में जितना बाकी परवल था उसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से तो कुछ इस तरीके का हम लोग सारे परवल को फ्राई करके निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसमें सूखा मिर्च डाल देंगे। कितना मिर्च डालें? 2। अच्छा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हमें कम तीखा पसंद है इसलिए हमने सिर्फ 2 डाला है। उसके बाद यहाँ जीरा भी फ़ौरन में डाली है। उसके बाद जो प्याज कट करके रखी थी ना 3, उसको भी इसमें ऐड कर दी। ऐसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं तेल को मैं निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल था इसलिए मैं तेल को निकाल दी हूँ। तो इसमें हमने पीसने के लिए डाला है प्याज और लहसुन, और ये है जीरा और काली मिर्च। मसाले के लिए हमने इसमें डाला है नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मैगी मसाला। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें सारे सूखे मसाले और पीसे हुए मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मसाला ऐड हो गया, जो मसाले हम लोग पीसे थे उसको ऐड कर दिए इसमें, और जो सूखे मसाले जैसे कि पहले आप लोग सुने उसको भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ने लगा है। गोल्डन ब्राउन आने तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे। कितना देर तक आपको? 5-10 मिनट। सब्जी की खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी कितना ऐड करना है, ज़्यादा या कम? पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है कम डाल सकते हैं। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा और कम मसाले में बन जाए। कम मसाला लगा हल्का कि ज़्यादा? ना कम ना ज़्यादा, अपने अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो।
कम आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। तो सब्जी बन के रेडी हो गया। तो ये है सब्जी का फाइनल लुक। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग को मैं यहाँ पे इसे चला कर भी दिखाती हूँ, देखने में टेस्टी लग रहा है।